आवास योजना ग्रामीण के लिए बजट अनुमान 16-17 में बजट आवंटन को 15,000 करोड़ की राशि से बढ़ाकर 17-18 में 23,000 करोड़ कर दिया है। हम 1 मई 2018 तक 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने पथ पर अग्रसर हैं। 2017-18 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 4,814 करोड़ के बढ़े हुए आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। मैंने बजट अनुमान 2016-17 में ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए बजट आवंटन 17-18 में 4,500 करोड़ करने का प्रस्ताव किया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और क्रेडिट सहायता योजनाओं के लिए आवंटन 3 गुना से भी अधिक बढ़ा दिया गया है। सुरक्षित स्वच्छता और खुले में शौक करने का अंत करने को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ने जबरदस्त प्रगति की है। ग्रामीण भारत में स्वच्छता का दायरा अक्टूबर 2014 में 42% से बढ़कर 60% हो गया है। ये लगभग 60% है। अब ओपन डिफेक्ट, अब खुले में शौच करने से मुक्त गांवों को पाइप युक्त जल आपूर्ति के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। हमारा अगले 4 वर्षों में आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित 28,000 प्रयावासों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का उप मिशन होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नए कौशल उपलब्ध कराने के लिए 2017-18 तक कम से कम 20,000 व्यक्तियों को तत्काल प्रशिक्षण के लक्ष्य के साथ 2022 तक 5,00,000 व्यक्तियों को राजगिरी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के पास विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए अभी भी मानव संसाधनों की कमी है। इस प्रयोजन हेतु 2017-18 के दौरान एक कार्यक्रम परिणामों के लिए मानव संसाधन सुधार प्रारंभ किया जाएगा। सरकार ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन और पर्यावरण में सुधार लाने के लिए उनसे घनिष्ठ योजना के साथ कार्य करती रहेगी। यह हमारी सरकार के लिए समझौता ना करने वाला कार्यक्रम है। 2017-18 में ग्रामीण कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल आवंटन 1,87,223 करोड़ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24% अधिक है। यह 24% अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में। युवा, अब मैं युवा साथियों के लिए अपने प्रस्तावों की बात करता हूँ। गुणवत्ता परक शिक्षा हमारे युवा साथियों को स्फूर्ति प्रदान करेगी। स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में, जो शिक्षा आम लोगों को जीवन हेतु संघर्ष करने के लिए उन्हें सुसज्जित करने में सहायक नहीं होती, तो वह शिक्षा कैसी सार्थक। हमने अपने विद्यालयों में वार्षिक ज्ञान परिणाम मापने की प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव किया है। स्थानीय नवोन्मेषी अंश के जरिए सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान की शिक्षा और पाठ्यक्रम में लचीलेपन पर बल दिया जाएगा। व्यापक पहुंच, लैंगिक समानता और गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने हेतु माध्यमिक शिक्षा के लिए निधि सृजित की जाएगी। इससे ICT समर्थित ज्ञान रूपांतरण शामिल होगा। ध्यान 3,489 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों पर रहेगा। उच्च शिक्षा में हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में सुधार आरंभ करेंगे। अच्छी गुणवत्ता वाली संस्थाओं को बेहतर प्रशासनिक और शैक्षणिक स्वायत्ता प्रदान करने में बनाया जाएगा। महाविद्यालयों की पहचान प्रत्यायन और रैंकिंग के आधार पर की जाएगी और उन्हें स्वायत्ता का दर्जा दिया जाएगा। परिणाम पर आधारित प्रत्यायन और क्रेडिट आधारित कार्यक्रमों के लिए एक संशोधित ढांचा तैयार किया जाएगा। हम सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने और कम से कम 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों वाले प्लेटफॉर्म स्वयं शुरू करने का प्रस्ताव करते हैं। यह विद्यार्थियों को सर्वोत्तम अध्यापक गणों द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों को आभासी रूप से उपस्थित होंगे, उच्च गुणवत्ता वाले पाठन संसाधनों तक पहुंच, वाद विवाद मंचों पर भागीदारी, परीक्षा देने और शैक्षणिक ग्रेड प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा। स्वयं तक पहुंच को शिक्षा के लिए समर्पित DTH चैनलों के साथ जोड़कर इसका विस्तार किया जाएगा। हम उच्च शिक्षण संस्थाओं में सभी प्रवेश परीक्षाओं
आयोजित करने के लिए स्वायत्त और स्व संपोषित प्रमुख समीक्षा संगठन के रूप में एक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव करते हैं। यह CBSE, AICTE और अन्य प्रमुख संस्थाओं को इन प्रशासनिक उत्तरदायित्व से मुक्त कर देगी ताकि वे शैक्षिक कार्यों पर अधिक ध्यान दे सके। हमारे पास बहुत बड़ा जनसांख्यिकी फायदा है। अपने युवाओं की क्षमता को अधिकतम बढ़ाने के लिए जुलाई 2015 में स्किल इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों को पहले ही 60 से ज्यादा जिलों में शुरू किया जा चुका है। हम अब देश भर में 600 से ज्यादा जिलों में इन केंद्रों का विस्तार करने का प्रस्ताव करते हैं। देश भर में 100 भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र उन्नत प्रशिक्षण और विदेशी भाषाओं में भी पाठ्यक्रम पेश करेंगे। यह हमारे उन युवकों की सहायता करेंगे जो देश से बाहर नौकरी के अवसर तलाश रहे हैं। हम 2017-18 में 4000 करोड़ रुपए की लागत से आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता कार्यक्रम संकल्प शुरू करने का भी प्रस्ताव करते हैं। संकल्प 3.5 करोड़ युवाओं को बाजार संगत प्रशिक्षण प्रदान करेगा। औद्योगिक मूल्यवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण का अगला चरण भी 2017-18 में 2200 करोड़ रुपए खर्च करके शुरू किया जाएगा। स्ट्राइव का ध्यान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में दिए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता और बाजार संगतता में सुधार करने और उद्योग समूह दृष्टिकोण के जरिए प्रशिक्षु पाठ्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण पर होगा।